New way to learn reactivity series of metals. PSC magenta, HCMS GP. PSC magenta, HCMS GP. PSC magenta, HCMS GP. Learn it. Now, this is PSC, yani potassium, sodium and calcium. Then magenta, it is magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin and lead. Then hydrogen, then copper, mercury, silver, gold and platinum. This is the reactivity series, very easy it is. PSC magenta, HCMS GP. सोचिए एक ग्रुप है 16 स्टूडेंट्स का, फाइन। उसमें तीन जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो हर काम जैसे टीचर कहती है फौरन करने लगते हैं, बस कहने की देर होती है ना, और कुछ भी इजीली लर्न कर लेते हैं। वो तो वो हो गए। फिर आ गए कुछ ग्रुप, आ गया मेजेंटल। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जब टीचर कहती है बेटा टेक आउट योर नोटबुक नाउ स्टार्ट राइटिंग इट, तो वो तब उसके बाद काम करते। एक एक होता है कोई एक्स्ट्रा बच्चा जिसको कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपने आप ही रिएक्ट करता रहता है, अपने आप ही बात करता रहता है, और ये एक्सेप्शन है, फाइन। फिर आता है सीएमएस जीपी। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्हें मार लो पीट लो कुछ भी कर लो पर ये मानेंगे नहीं बेटा, ये बिल्कुल नहीं मानते। तो आपने भी इसी तरह इन्हें लर्न करना है, लेट्स डू इट। अब आप देखिए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही इनकी किसी चीज के आते पास में आते हैं तो फौरन रिएक्ट कर लेते हैं, चाहे वो पानी है चाहे एयर है कुछ भी चीज है, ये रिएक्टिव होते हैं बहुत जल्दी। अब आपने करा मेजेंटल, इसमें क्या होता है, इसमें वो स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे हैं या वो मेटल्स हैं जो रिएक्ट तो करते हैं बट इनके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है, जैसे पानी गर्म करना पड़ता है या ठंडा करना पड़ता है या स्टीम करनी पड़ती है तब ये रिएक्ट होते हैं, यानी जब टीचर जब कहती है ये काम तभी करते हैं। अब आता है एच, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फाइन। ये ग्रुप है सीएमएस जीपी, ये वो ग्रुप है जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सुनते ही नहीं है, टीचर्स कह रही है बेटे पढ़ ले तुझे बनना है कुछ कर लो कुछ तो मेहनत कर लो, पर इनको कोई असर नहीं पड़ता, ये मानते ही नहीं है, वो है सीएमएस जीपी, यानी लेस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सो लर्न इट, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब।